मनोज जी हैं और अभी अभी विष्णु थापा जी आए हैं बांसुरी के साथ में, तो इनका भी स्वागत है। विकास के लिए जरूरी है। अरे आज हमारे विशिष्ट अतिथिगण और हमारे भाई बंधु, आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भिखारी ठाकुर जी की जयंती है, मैं सबसे पहले उन्हें सरसर नमन करती हूँ। कहा जाता है किसी देश, राज्य या समाज का धरोहर उसका इतिहास होता है। भिखारी ठाकुर हमारे सबसे बड़े धरोहर हैं, सर आ जाएगा आपका और आ जाएगा। संगीत में कितना उन्होंने बिल्कुल कट जाएगा किया है और खड़ा होंगे तो पीछे कट। बिहार को एक नई पहचान देते हैं। 1917 आज से 100 साल पहले उन्होंने जो काम करके बिहार के नाम को प्रसिद्ध किया, न केवल बिहार के लिए बल्कि देश विदेश में भी आज भिखारी ठाकुर के कारण बिहार की संस्कृति को जाना जाता है और एक वो प्रतीक है। उनके जितने भी नाट थे या फिर संगीत, उसे बिहार की परंपरा रिफ्लेक्ट होती है। जहां तक हम लोग जानते हैं कि जब वो बंगाल में थे, जिसमें उन्होंने 1917 में शुरुआत की थी नाट्य मंच की, तो बिहार के जो मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, वो भी एक प्रवासी मजदूर थे और अपने जितने भी भाई बंधु थे उनके साथियों के साथ उन्होंने शुरू किया था। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है कि नमस्कार करती हूँ। आज मैं यहाँ यूथ हॉस्टल में हूँ। हमारी संस्था नवगीति का लोक रसधार ने एक कार्यक्रम रखा है। कल भिखारी ठाकुर की जयंती है, उसके पूर्व संध्या पर आज हम सभी कलाकारों ने सोचा क्यों न कोरोना काल में हम अपने अपने कुछ गीतों के माध्यम से भिखारी ठाकुर को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और भगवान की कृपा है और आप सभी का स्नेह है, कार्यक्रम बिल्कुल सफलतापूर्वक चल रहा है हमारा। और सभी जो कलाकार जो है अपने गीतों से भिखारी ठाकुर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिखारी ठाकुर बिहार के शेक्सपियर कहे जाते हैं। उन्होंने जितने गीतों की रचना की, जितने नाटकों की रचना की, उनका उद्देश्य सिर्फ लोक रंजन नहीं था, बल्कि वो समाज का उपचार करना चाहते थे। हमारे समाज में व्याप्त जितनी भी तरह की कुरीतियाँ थी, जितनी भी कुप्रथाएँ थी और जितने तरह के जो व्याधिचार थे, बाल विवाह और संयुक्त परिवार का विघटन, वृद्ध से किसी कम उम्र की लड़की का विवाह, विधवा विवाह, इस तरह की जितनी सारी समस्याएं थी, उन्होंने हर विषय को छुआ। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो अनछुआ रह गया हो। भिखारी ठाकुर ने सारे विषयों पर नाटक लिखे। उन्होंने ना सिर्फ नाटक लिखे बल्कि नाट्य का निर्देशन भी किया। ना सिर्फ उन्होंने गीतों के धुन बनाए, ना सिर्फ वो गीतकार थे बल्कि वो गायक भी थे और अपनी एक नाच मंडली बनाकर वो जगह जगह जाते थे और समाज में एक नव चेतना, नव स्फूर्ति, नव जागृति वो पैदा करते थे, ताकि समाज में कुछ अच्छे गुणों की स्थापना हो सके और जितने भी कुसंस्कार हैं, कुप्रथाएं हैं,
उन सबों का नाश हो जाए, और इसलिए भिखारी ठाकुर आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। और सही मायने में तो कहा जा सकता है, वैसे तो भिखारी ठाकुर का सम्मान हम सभी देशवासियों को करना चाहिए, लेकिन भिखारी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि हम कलाकार ही देते हैं, क्योंकि हर वर्ष कलाकार ही उनके नाटकों का जगह जगह पर मंचन करते हैं। उनका विश्व प्रसिद्ध विदेशिया नाटक का लगातार मंचन हो रहा है, और समाज से बहुत सारी कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ